दोस्तों बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुए एक हफ्ता हो गया और तब से अब तक बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदू औरतों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को आग लगाई जा रही है, आर्मी भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, पुलिस किनारे खड़े रहकर तमाशा देख रही है और बांग्लादेश की नई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सर धंसाकर अंधे बने हुए हैं। और भारत के अलावा बांग्लादेश के इन 1,30,00,000 हिंदुओं की सुनने वाला कोई नहीं। मोदी गवर्नमेंट ने भी बांग्लादेशी हिंदुओं के हालात पर नजर रखने के लिए एक कमेटी बना दी है। खुद मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का नया पीएम बनने पर बधाई दी, तब भी उस मैसेज में भी उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रही हिंसा रोकने की अपील की। मगर माइनॉरिटीज के नाम पर सबसे ज्यादा छाती कूटने वाले राहुल गांधी ने इस मामले पर अब तक एक ट्वीट नहीं किया। ओवैसी के सपोर्टर्स खुलेआम बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा से हमें क्या लेना देना। गाजा के मुसलमानों के नाम पर दिन रात आंसू बहाने वालों के टीवी या मोबाइल पर अब तक ये खबर नहीं आ रही है क्या कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। हेलो, यूएन से लेकर कनाडा, अमेरिका और यूरोप के सांसद तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर आवाज उठा चुके, मगर भारत में एक सेक्शन ऐसा है जिन्होंने इस मामले पर अब तक एक शब्द नहीं बोला। ये लोग इतने बेगैरत हैं कि इन्हें लगता है कि हमने अगर बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही वायलेंस पर कुछ बोल दिया तो उससे भारत में उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए, अगर हमने बांग्लादेश पर कुछ बोल दिया तो उससे बीजेपी या कुछ लोगों की ये बात सच न साबित हो जाए कि भारत के हर एक मुस्लिम पड़ोसी देश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। ये लोग बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों पर बोलने से पहले अपनी चुनावी नफे नुकसान पर इतना सोच रहे हैं कि इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि कश्मीर से जब लाखों हिंदुओं को भगाया गया तो वो भारत के बाकी राज्यों में आकर बस गए। पाकिस्तान के हिंदुओं पर जुल्म हुआ तो हम उनके लिए सीए ले आए, बांग्लादेश के हिंदुओं पर आज जुल्म हो रहा है तो वो भी भारत की तरफ देख रहे हैं। मगर कल को यही हाल हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं का हुआ तो वो कहां जाएंगे? तब क्या वो अपनी जान बचाने के लिए हिंद महासागर में कूद जाएंगे या उन्हें जान बचाकर किसी दूसरे ग्रह पर जाना पड़ेगा? इतनी छोटी सी बात देश के मक्कार नेताओं को समझ नहीं आ रही। भाई ये मामला सिर्फ बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर हो रहे हमलों का नहीं है, ये हमला साल दर साल हो रहे आपकी कौम के सफाए का है। एक वक्त जो हिंदू, बौद्ध और सिख अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और मालदीव से लेकर इंडोनेशिया मलेशिया तक थे, आज हर जगह से या तो उनका सफाया हो चुका है या सफाया होने वाला है। आपके हाथ से पाकिस्तान निकल चुका है, अफगानिस्तान जा चुका है, बांग्लादेश में भी आप 23% से 8% से भी कम आ चुके हैं। कश्मीर जो आपके देश का हिस्सा है वहां आर्टिकल 370 हटाए जाने के बावजूद किसी कश्मीरी पंडित की हिम्मत नहीं है कि वो जिहादियों के रहते वहां लौट जाए। बावजूद इसके इस देश में लाखों लोग अब भी इस्लामिक फोबिया की अफीम चाट रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये सब सांप्रदायिक बातें हैं, हमारा इन सब से क्या लेना देना। और जब तक उन्हें इस मामले की सीरियसनेस समझ आएगी तब तक उनका भी वही हाल हो रहा होगा जो आज बांग्लादेशी हिंदुओं का हुआ है या पाकिस्तानी हिंदुओं का हो चुका है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ एक जमात की जो चुप्पी है वो क्यों खतरनाक है, आज इस वीडियो में उसी पर हम लोग बात करने वाले। इसलिए वीडियो जरूर देखना और अपने हर एक दोस्त और रिश्तेदार से इसे शेयर करना, क्योंकि सच जानने का हक सबका है। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूं रौनक। इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, मैं ये कहना चाहता हूं कि हर इंसान की अपनी ओपिनियन होती है, हर इंसान की अपनी राय होती है। इसीलिए प्रोबो एक ऐसा ऐप आपके लिए आया है जहां पर अपनी राय देकर, अपनी ओपिनियन देकर आप ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो। कई सारे सब्जेक्ट्स, कई सारे टॉपिक्स, कई सारे सवाल, सिर्फ हाँ या ना में आपको ओपिनियन देनी है। जैसे एक सवाल ओलंपिक से जुड़ा हुआ है कि क्या 2024 ओलंपिक में 10 या उससे ज्यादा मेडल भारत जीत पाएगा या नहीं। इसके अलावा जॉन अब्राहम की वेदा जो 15 को रिलीज हो रही है, क्या लगता है फर्स्ट डे पे 5 करोड़ उससे ज्यादा की ओपनिंग ले पाएगी या नहीं। ऐसे तमाम टॉपिक्स पे तमाम सवाल आपको मिलेंगे, सिर्फ हाँ या ना में ओपिनियन दीजिए, क्वांटिटी बढ़ा के इन्वेस्ट करिए और जीतने पे उसको आराम से विड्रॉ कर सकते। लेकिन इन सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, नाम है प्रोबो और लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड जरूर करिए। वीडियो में आगे बढ़ते दोस्तों, अब अपने मेन मुद्दे पर वापस आते हैं। इससे पहले कि हम इस्लामिक जिहादियों की तरफ से बांग्लादेशी हिंदुओं पर ढाए जा रहे जुल्म पर भारत में मौजूद एक सेक्शन की, एक जमात की चुप्पी पर आएं, पहले आप ये जान लीजिए कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ किस लेवल का और कैसा जुल्म हो रहा है। सबसे पहले आप इन महिला का वीडियो देखिए जिन्हें एक भीड़ ने घेरा हुआ है, कान पकड़कर उनसे उठक बैठक लगवाई जा रही है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये खुद बहुत सारे सोशल वेलफेयर के काम करती थी, कोविड के टाइम इन्होंने बहुतों की मदद की थी, मगर आज हालात बदले तो इनके साथ क्या हो रहा है ये सबके सामने।
इस हिंदू महिला को सुनिए जो ये बता रही हैं कि ऐसे जिहादियों की भीड़ ने उनके घर को लूटा, जबरदस्ती उनसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए और उनके 12 साल के बेटे प्यास सरकार को अगवा करके ले गए। दूसरा वीडियो पटुआ खाली जगह का है, जहां ये हिंदू बंगाली परिवार बता रहा है कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं कि अगर जान बचानी है तो आज ही देश छोड़कर भाग जाएं वरना अंजाम बुरा होगा। दरवाजा खोलार पर देखी उधर देखी हाथे सापाते आमी गिया ओई रूम में दरवाजा लगाई दी। एक तीसरे वीडियो में एक महिला रोते हुए बता रही है कि हमारा कसूर बस ये है कि हम हिंदू हैं, जिहादियों की भीड़ इनकी बेटी को अगवा करके ले गए और उनके साथ बेहद घिनौना काम किया। स्वाधीन बांग्लादेश जिहादियों के हौसले इतने बुलंद है कि वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हम देवी देवताओं की सारी मूर्तियां तोड़ देंगे। आप 6 अगस्त का ये वीडियो देखिए जिसमें ये आदमी खुलेआम मंदिरों को तोड़ने की बात कर रहा है। बांग्लादेश का एक और इस्लामिक स्कॉलर अबू नजर तो हिंदुओं पर हो रहे इन हमलों पर जश्न मना रहा है। वो भी हिंदुओं को खुलेआम धमकी दे रहा है कि या तो इस्लाम कबूल कर लो वरना यहाँ से भाग जाओ। ठीक वही बात दुनिया के हर कोने में जिहादी मेजोरिटी में आने के बाद करते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कश्मीर हो या बांग्लादेश। मेजॉरिटी में आते ही न तो इन्हें कोई दूसरे मजहब का आदमी बर्दाश्त होता है और न ही ये उसका कोई इबादतगाह देख सकते हैं। मूर्ति पूजा इनको हराम लगती है, इसलिए मूर्तियों को तोड़कर मंदिरों में आग लगाकर गैर मुसलमानों को मारकर इन्हें लगता है कि अपने दीन के रास्ते पर चल रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ मैंने जिन घटनाओं का जिक्र किया ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म का जो खूनी खेल खेला जा रहा है ये तो उसका टीजर भी नहीं है दोस्तों। इन तस्वीरों को देखकर दुनिया में बैठे हर हिंदू का दिल पसीज रहा है। अमेरिका में हिंदुओं ने न्यूयॉर्क में यूएन ऑफिस के सामने जाकर इस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। फिनलैंड में हिंदू ग्रुप्स ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने चिंता जाहिर की। कनाडा से लेकर इसराइल तक में बांग्लादेशी हिंदुओं ने इस पर चिंता जाहिर कर दी। अमेरिका के सांसदों ने इस बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन को चिट्ठी लिखी, मगर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने इस पर एक शब्द नहीं बोला है। ये वही राहुल जी हैं जिन्होंने गाजा पर इसराइल के हमलों पर 1.5 किलोमीटर लंबा ट्वीट किया था। इसराइल हमले में मारे जा रहे बेगुनाह फिलिस्तीनियों के दुख में अपने खून की स्याही से ट्वीट किया था इन्होंने, मगर इन्हीं राहुल गांधी ने अब तक इस पर अपनी जबान नहीं खोली। उन्होंने बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के नए लीडर को जब ट्विटर पर बधाई भी दी तब भी वो ये लिख रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में जल्द ही शांति आएगी, मगर वो ये नहीं लिख पाए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा बंद हो या नई सरकार इस पर कुछ करे। ओवैसी का एक समर्थक यहाँ तक बोल गया कि भैया हम लोग तो भारतीय हैं, हम लोग को बांग्लादेशी हिंदुओं से क्या लेना देना, मुझे किसी और देश के पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। किस देश में क्या हो रहा है मैं अपने देश के बारे में जानना चाहता हूँ और इसको सही करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अदर कंट्री, ओके आप बात करो उसमें, ठीक है। और बांग्लादेश से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, आप हिंदू कुछ भी हो कुछ भी हो मेरा कोई मतलब नहीं है। आप ही बताइए दोस्तों, पूरी दुनिया में बेशर्मी और दोगलेपन की इससे बड़ी मिसाल कुछ और मिल सकती है? मतलब ये जनाब कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं से हमें क्या लेना देना, और यही लोग जब फिलिस्तीनियों पर इसराइल हमला करता है तो उसका विरोध करने सबसे पहले सड़कों पर आ जाते हैं। कलेश गाजा में चल रहा होता है और ये लोग हैदराबाद की गलियों में अपने नाड़े की गुलेल बनाकर पुलिस वालों पर हमला कर रहे होते हैं। और आज बात हिंदुओं की आई तो इन्हें लग रहा है कि हमें क्या, वो तो दूसरे देश के हैं। क्या अब भी ये बताने की जरूरत है कि राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक और इन जैसे तमाम नेताओं की बांग्लादेश के मामले में जबान क्यों नहीं खुल रही है? जो इक्का दुक्का आलोचना कर भी रहे तो बस रस्म अदायगी कर रहे हैं, वैसे ही जैसे किसी फंक्शन में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देखकर आप जबरन मुस्कुराकर फॉर्मेलिटी निभाने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही। चाहे राहुल हो या बाकी नेता, ये लोग बांग्लादेशी हिंदुओं पर क्यों कुछ नहीं बोलते, इसका साफ और सिर्फ एक ही मतलब है। इन लोगों को पता है कि भारत में इनका जो भी वोट बैंक है वो या तो इन हमलों से खुश है या उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में अगर वो इन हमलों पर कुछ बोलेंगे तो उनका वो वोट बैंक नाराज हो जाएगा। अब जो लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदू होकर भी भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते, तो आप ऐसे लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के कत्ल पर ये एक भी शब्द बोल पाएं? बताइए इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यही एक पॉइंट है जो और भी लोगों तक पहुंचना जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को भी दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज बांग्लादेश में 1,30,00,000 हिंदू बचे हैं, वहां अगर 100 हिंदू भी बाकी ना रहा ना तब भी ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। उल्टे भारत सरकार ने आउट ऑफ द वे जाकर अगर इन लोगों की मदद की, उन्हें अपने देश में शरण दी, तो यही लोग कहेंगे कि मोदी के पास अपने लोगों को तो नौकरी देने के पैसे ही नहीं है, ये इन लोगों को भी भारत में घुसाकर भीड़ बढ़ा रहे हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं, याद है आपको जब देश में सीए लागू किया गया तो क्या कहा था आदरणीय केजरीवाल जी ने, बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं।
उन्होंने यही तो कहा था कि सीए के जरिए विदेशियों को भारत में घुसाकर मोदी जी देश के युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। तब उन्होंने हिंदू शरणार्थियों के लिए कहा था कि ये पाकिस्तानी अब हमारी नौकरी और हमारे घर खा जाएंगे। अब आप ही बताइए, जिस मुल्क में नेता अपने वोट बैंक के लिए इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि वो ऐसी कोई चीज देखने को तैयार ही नहीं जो उनकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करती, तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर कुछ बोलेंगे। अरे बांग्लादेशी हिंदुओं को छोड़िए बॉस, जब कश्मीर फाइल जैसी फिल्म आई तब इस पूरी लॉबी ने ये साबित करने की कोशिश की थी कि ये तो फिल्म ही झूठी है, वहां ऐसा कुछ जुल्म हुआ ही नहीं, वहां से 7 लाख हिंदू तो भगाए ही नहीं गए। आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा तब क्यों बोला था? क्या वजह थी जब केरल फाइल्स फिल्म आई तब भी ये लोग क्यों साबित करने लगे थे कि नहीं 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 केरल में लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है, जबकि वहां की चर्च, वहां की हाईकोर्ट और खुद वामपंथी पार्टी के बड़े नेता तक ये कबूल कर चुके हैं कि केरल में लव जिहाद जैसी चीजें चल रही है। मगर तब भी ये गैंग ये साबित करने पर तुला था कि नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ। और आज जब बांग्लादेशी हिंदुओं पर हिंसा का नंगा नाच खेला जा रहा है, पूरी दुनिया इसकी गवाह बन रही है, इससे जुड़े हजारों वीडियो सबके सामने आए हैं, तब भी भारत में बैठा ये गैंग इस काम पर मिट्टी डालने में लगा हुआ है। वो आपको मंदिरों पर हो रहे हमलों के विरोध की एक तस्वीर दिखाएगा, मंदिर के बाहर टोपी पहने 4 मुसलमान दिखाएगा और ये साबित करने की कोशिश करेगा कि नहीं नहीं बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमले जैसा कुछ है ही नहीं, बल्कि वहां का मुसलमान तो हिंदुओं को बचा रहा है। क्या बात है, लेकिन ये बताना बचा किससे रहा है, किसके हमले से बचा रहा है? क्या किम जोंग उन या फिर डोनाल्ड ट्रंप के हमले से बचा रहा है? किसके हमले से बचा रहा है बताओ? बोलो बोलो, टेल टेल। मतलब जो हिंसा के 100 सही वीडियोस हैं वो उस पर बात नहीं करेगा? अगर इन 100 वीडियो के बीच एक गलत वीडियो कोई शेयर कर देगा तो उसका फैक्ट चेक करके ये जरूर बताएगा कि नहीं नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई मैं कहता हूँ कि आप गलत वीडियो का तो फैक्ट चेक कर रहे हो, लेकिन बाकी के 99 वीडियो जो डाले गए हैं उनका भी तो फैक्ट चेक करो। अगर वो सच्चे हैं उसका भी फैक्ट चेक करके ये बताओ कि नहीं हिंदुओं पर हो रहे हमलों की ये बाकी 99 वीडियो सच्चे हैं। मगर वो भूल कर भी ऐसा नहीं करते और कभी करेंगे भी नहीं, क्योंकि फैक्ट चेक करना, सच्चाई बताना उनका कभी एजेंडा ही नहीं था। उनका एक ही एजेंडा है, अपना नैरेटिव सेट करना, जहां वो एक साइड के एग्रेसर होने के बावजूद ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं ये तो बिचारे हैं, खुद इन पर जुल्म हो रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जैसे कश्मीर को लेकर क्या नैरेटिव था कि भारतीय फौज वहां जुल्म करती है, कश्मीरी मुसलमान सताया हुआ है। अब सताया तो कश्मीरी मुसलमान था, लेकिन कश्मीर छोड़ना पड़ गया 7 लाख हिंदुओं को, अब ये कैसे सताना हो गया भैया? ये स्कीम किसने निकाली? जहां सताया तो कोई और जा रहा है मगर सजा कोई और भुगत रहा है, बताइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब इसराइल में पिछले 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकी 1,500 से ज्यादा इनोसेंट लोगों को मार देते हैं, जिनमें बूढ़ी औरतों से लेकर बच्चे तक सब शामिल होते हैं, तब इन लोगों को लगता है कि ये इसराइल के जुल्म के खिलाफ हमास का बदला है, उसका प्रतिशोध है। फिर उसके बाद अगले 10 महीनों में इसराइल वहां बम मार मार कर गाजा का बाजा बजा डाला, हमास के 2.5 जुल्म से ज्यादा जुल्म फिलिस्तीन पर ढाकर वहां हजारों लोगों को जब इन्होंने मार दिया, तब यही लोग कहने लगे कि देखो इसराइल तो इनोसेंट लोगों को मार रहा है। अरे भाई इसराइल क्या एक नींद से जगा कर अचानक लोगों को गोली मारने लगा? अब आप कहोगे कि नहीं नहीं इसराइल ने तो फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रखा है, सब कुछ वहां से शुरू हुआ है ना, तो वो बात भी मत करो, ठीक है? क्योंकि अगर शुरू से शुरू करोगे तो फिर सबकी बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए इस गैंग को मेरी यही हिदायत है कि अपने ये षड्यंत्र बंद करें। अगर तुम्हारा दिल हर परेशान आदमी के लिए धड़कता है ना बॉस, तो इसे सिर्फ फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए ही नहीं बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी धड़काओ, थोड़ा तो धड़काओ। अगर तुम माइनॉरिटीज के हितों पर दिन रात आंसू बहाते हो तो माइनॉरिटीज से मतलब उस माइनॉरिटीज से नहीं होना चाहिए जिसका तुम्हें एजेंडा चलाना है, जिसका तुम्हें वोट बटोरना है। अगर कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी है तो उनकी भी बात करो, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदू और सिख माइनॉरिटीज पर जुल्म हो रहा है तो उस पर भी बोलो। मगर जैसे कि मैंने कहा ना, इन लोगों को क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना ये सिर्फ इस बात से तय होता है कि भारत में बैठा इनका वोटर क्या सुनना चाहता है, बस सिंपल। अगर भारत में बैठे इनके वोटर्स को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा से फर्क नहीं पड़ता, वो खुशी जाहिर करे या फिर उसे ठीक मानता है, तो इन लोगों की औकात ही नहीं है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में एक बयान भी दे दे, नहीं दे सकते, इनका वोटर भड़क जाएगा। मगर जैसे कि मैंने पहले कहा था, अब ये इस देश के लोगों को तय करना है बॉस कि वो इस तरह की पॉलिटिक्स से कैसे निपटेंगे। ये इस देश के हिंदुओं को तय करना है कि क्या अगले 250 सालों तक जाति के नाम पर लड़ते हुए मिट जाना है, या दुनिया भर में अपनी पहचान हिंदू के तौर पर देखते हुए हिंदू, सिख और बौद्ध के साथ खड़ा रहना है, बताइए। मैं इन लोगों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया के इस हिस्से में एक वर्ग की तरफ से सबसे ज्यादा जुल्म इन्हीं पर हुए हैं। बौद्ध और हिंदू अफगानिस्तान से लेकर बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव तक इन जिहादियों के हाथों अपनी जमीन गंवा चुके हैं। ले देकर पूरी दुनिया में ये भारत ही है जो हिंदुओं का असली और इकलौता घर बचा है, मगर वो भी कब तक बचेगा ये आपको खुद तय करना है।
इससे ज्यादा समझाने की एनर्जी मुझ में नहीं है बॉस। क्या करना है ये आपको खुद डिसाइड करना है। बाकी बांग्लादेशी हिंदुओं को हम भरोसा दिलाते हैं कि कम से कम अपने वीडियोस के थ्रू हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाते रहेंगे। और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी ये आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। और जाने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन में भी जरूर जाइएगा, आपके पास किसी भी टॉपिक पर अगर अपना ओपिनियन है तो प्रोबो ऐप आपको अपने ओपिनियन को प्राइजेस में कन्वर्ट करने का मौका दे रहा है। और प्रोबो पर आप सिर्फ हाँ या ना में अपनी ओपिनियन देकर ढेरों प्राइजेस जीत सकते हैं। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।